हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेंस मैं हूं स्वाति आपकी इंग्लिश एजुकेटर और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवन एंगेजिंग इंग्लिश जो बुक है हमारी लिटरेचर की उसका एट चैप्टर नाउ दिस चैप्टर इज अ ब्यूटीफुल पोम जो आपको याद दिलाएगी आपके ग्रैंड पेरेंट्स की द नेम ऑफ द पोम इज ग्रानी रिटन बाय स्कैनल नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट टू रीड अबाउट द ऑथर एंड देन विल स्टार्ट विद द पोम सो वन स्कैनल वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रिटिश पोएट्स ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी ये जो थे ये ट्वेंटी सेंचुरी के काफ़ी रिस्पेक्टेड ब्रिटिश पोइट थे ही वॉज एट वन टाइम अ प्रोफेशनल बॉक्सर एंड अकाउंटेंट एक टाइम पे मतलब दिस इज सो नॉट वियर्ड स्ट्रेंज मतलब ही वॉज अ राइटर एक टाइम पे वो अकाउंटेंट थे और एक बॉक्सर थे प्रोफेशनल बॉक्सर ही फॉट इन वर्ल्ड वॉर टू एंड हिज पोम सच इज़ वॉकिंग ड्रॉ ऑन हिज वॉर एक्सपीरियंसिस सो उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में अपने देश के लिए फ़ाइट भी किया था और उन्होंने जो पोम्स लिखी थी जैसे कि वॉकिंग वॉकिंग ये उन्होंने किस ये जो पोम थी उनके एक्सपीरियंसिस पे बेस्ड थी जो वर्ल्ड वॉर टू में उनके साथ हुआ उस एक्सपीरियंसिस पे बेस्ड थी ये हिज अदर वेल नोन पोम्स इंक्लूड नेटल्स सिल्वर वेडिंग एंड वेयर शैल वी गो सो ये कुछ और उनकी फेमस पोम्स हैं ये जो पोम हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जो राइटर है जो पोइट है वो अपनी ग्रैंड मदर उनकी जो ग्रैनी हैं उनके साथ अपना रिलेशन बता रहे हैं जो कि बहुत वार्म है लविंग है ब्यूटिफुल है फिर वो किस तरीके से उनके पास रहते हैं कितना सिक्योर फील करते हैं फिर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो एक सोल्जर बन जाते हैं जब वो वॉर में लड़ाई करने के लिए जा रहे होते हैं जाते हैं उसके बाद एक बार घायल हो जाते हैं और वो वापस जब आते हैं तो उनको लगता है कि वो अपनी ग्रानी के घर के बहुत पास हैं तब क्या होता है तो यहां पे एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता जो है एक ग्रैनी और उनके ग्रैंडसन का वो इसमें बताया गया है सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द पोम नाउ सो फर्स्ट वी हैव समथिंग वी हैव समथिंग टू रीड बिफोर वी स्टार्ट टू रीड द पोम आर यू क्लोज टू योर ग्रैंड पेरेंट्स क्या आप अपने दादा दादी नाना नानी से बहुत ज्यादा करीब हैं इन द बिजी लाइफ वी लीड वी ऑफन फोर गेट टू वैल्यू द ओल्ड जनरेशन इंक्लूडिंग आवर ग्रांड पेरेंट्स हम लोग बहुत बिजी हैं हमारे पास पढ़ाई है होमवर्क है ट्यूशन क्लासेस हैं हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे पास गैजेट्स कितने सारे हैं लैपटॉप है टैब है आईपैड है मोबाइल फोनस हैं हमारे पास तो बहुत काम है लेकिन इस बीच में हम क्या करते हैं हम हमारी जो ओल्डर जनरेशन है मतलब जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं हम उनको भाव देना ही भूल जाते हैं हम उनको रिस्पेक्ट करना ही भूल जाते हैं हु हैव शावर्डर्स विद अनकंडिशनल लव जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमें अनकंडिशनली बहुत सारा प्यार करते हैं इन दिस पोम सिट डिंग वर्ल्ड वॉर टू द पोइट्स ग्रैंड मदर रिमाइंड्स हिम ऑफ द इनोसेंस ऑफ इस चाइल्ड हुड ये पोम जो कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर लिखी गई है जो पोइट की ग्रैंड मदर हैं वो उनको याद दिलाती हैं उनके बचपन का वो इनोसेंट प्यार एंड हैज़ वंस अनकॉम्प्लिकेटेड लाइफ और एक टाइम पर उनकी लाइफ जो कितनी अनकॉम्प्लिकेटेड

For ages, I remembered her faint scent of lavender, the way she would never scold, no matter what I had done. तो सालों तक मुझे उनकी जो वो लेवेंडर की खुशबू आती थी उनके पास से वो मुझे याद थी और मुझे याद था कि किस तरीके से चाहे मैं कुछ भी करूँ नो मैटर वॉट आई हैड डन वो मुझे कभी नहीं स्कोल्ड करती थी वो मुझे कभी नहीं डांटती थी एंड मोस्ट ऑफ ऑल द वे स्माइल सीम्ड और सबसे बड़ी बात सबसे इंपॉर्टेंट जिस तरीके से उनकी स्माइल थी जब वो स्माइल करती थी ऐसा लगता था सम हाउ टू इनफोल्ड माई होल वर्ल्ड लाइक अ व प्रोटेक्टिव शॉल ऐसा लगता था उन्होंने मेरी पूरी दुनिया जो है पूरी दुनिया मेरा पूरा वर्ल्ड जो है जब वो स्माइल करती थी ऐसा लगता था ना उन्होंने अपने वाम प्रोटेक्टिव शॉल में उसको एनफोल्ड कर लिया है एनफोल्ड का मतलब क्या होता है उसको सराउंड कर लिया है उसको एक अपने आप से मतलब यू नो एक तरह से हक कर लिया है ऐसा लगता था जैसे वो स्माइल करती थी कि सब कुछ ठीक है एवरी थिंग इज़ ऑल राइट I knew that I was safe when she was near. She was so tall, so wide, so large. She would stand mountainous between me and my fear. मुझे पता था जब वो मेरे पास हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सेफ़ हूँ सिक्योर्ड हूँ वो बहुत टॉल थी वाइट थी बहुत लार्ज थी एंड मेरे और मेरे हर फ़ियर के बीच में वो माउंटेनियस तरीके से खड़ी हो जाती थी इसका मतलब मुझे उनके साथ किसी चीज़ का डर नहीं लगता था क्योंकि अगर वो मेरे साथ है मुझे पता है कि ना मुझे फ्रेंड्स की कोई प्रॉब्लम है ना टीचर्स की प्रॉब्लम है ना होमवर्क की प्रॉब्लम है मुझे लगता था अगर वो मेरे साथ हैं तो मैं बहुत ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर्ड हूँ येट ओह सो जेंटल एंड शी अंडरस्टूड एवरी होप एंड ड्रीम आई एवर हैड वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी टॉल थी और इतनी ज़्यादा वाइट थी लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा जेंटल थी बहुत ज़्यादा प्यारी थी वो वो मेरे हर होप और हर ड्रीम को समझती थी मैं क्या चाहता हूँ बिना बताए उन्हें सब कुछ पता था शी प्लेस्ड मी लैविशली वेन आई वॉज़ गुड बट नो पनिश्ड मी वेन आई वॉज बैड जब मैं कुछ अच्छा करता था तब वो मेरी बहुत तारीफ करती थी लैविशली का मतलब जनरसली बहुत तारीफ करती थी लेकिन अगर मैंने कुछ गलत भी किया तो वो मुझे कभी भी बुरा नहीं कहती थी इयर्स लेट लेट वॉर ब्रोक आउट एंड आई बिकेम अ सोल्जर एंड वॉज वायल इन फ्रांस बहुत सालों बाद मैं एक सोल्जर बन गया जब यह वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ था तब मैं एक सोल्जर था एंड आई वॉज़ वेंडेड वायल इन फ्रांस और जब मैं फ़्रांस में था जब मैं लड़ाई कर रहा था तब मेरी तबीयत खराब मतलब तब मैं इंजर हो गया था मैं वून्डेड था मतलब मेरे को चोट आई थी back home in hospital still very lame i realized suddenly that circumstance had brought me close to that small town where she was living still back home in hospital जब मैं वापस hospital आ गया जब घर आ गया तब जब मैं बहुत ज्यादा weak था still very lame मैंने सडनली रियलाइज किया कि ये जो सारे circumstances हैं ये जो सारे सेट ऑफ इवेंट्स हैं इन्होंने वापस मुझे उसी गांव में लेके आ गए हैं वहीं उसी स्मॉल टाउन में लेके आ गए हैं जहां आज भी मेरी ग्रैंड मदर रहती हैं एंड सो आई सीज द चांस और तभी मैंने जैसे ही मुझे चांस मिला जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी ग्रानी यहीं रहती है आई सीज़ द चांस मतलब मैंने इस चांस को जो है होल्ड कर लिया पकड़ लिया टू राइट एंड आस्क इफ़ शी कुड कम एंड विजिट मी तो मैंने उन्हें एक लेटर लिखा और पूछा कि इफ़ शी कुड कम एंड विजिट मी इफ़ शी कैन कम वो आके मुझसे मिल सकती हैं शी केम एंड आई स्टिलडली रिकॉल द शॉक दैट आई इज रिसिव्ड वेन शी अपियड दैट डार्क कोल्ड डे वो वापस आई मुझसे मिलने के लिए और आज भी मुझे विविडली का मतलब क्या होता है बहुत ही इंटेंस मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियरली मुझे ये याद है द शॉक दैट आई इज रिसिव्ड वो शौक जो मुझे मिला था जब मैंने उनको देखा जब वो आई उनको देख के मुझे एक शौक लगा था जब वो उस डार्क डे में आई तो मुझे शौक लगा था शौक क्यों लगा पोइट को यूज ग्रानी वो सो स्मॉल क्योंकि इससे क्या पता चलता है यूज ग्रैनी वो सो स्मॉल मतलब ग्रैनी वो जानते हैं जब ग्रैनी जो थी वो अपनी मिड एज में थी मे बी फोर्टी ईयर्स और फोर्टी फाइव ईयर्स और अब जो है शी इज़ रियली ओल्ड मे बी सेवेंटी और सेवेंटी फाइव और एटी इयर्स और यहाँ पे शी इज़ नाउ फ्रेल एंड वीक एंड स्मॉल बहुत ज़्यादा वो वीक हो चुकी हैं तो उसके लिए वो एक बहुत बड़ा सा शौक़ था इससे क्या पता चलता है दैट जो पोएट है वो जब सिक्स इयर्स की एज से एट इयर्स की एज तक अपनी नानी के साथ ग्रानी के साथ रहता था तो दो साल के बाद शायद वो उनसे कभी मिला ही नहीं बहुत टाइम से वो टच में ही नहीं था उसे पता ही नहीं था उसकी ग्रानी अब दिखती कैसी है अ टाइनी फ्रेल ओल्ड लेडी इट वॉज वियर्ड मेरी जो ग्रानी इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी टॉल इतनी लाश थी आज शी स्मॉल अ टाइनी फ्रेल ओल्ड लेडी एक छोटी सी बहुत वीक ओल्ड लेडी थी वो इट वॉज वियर्ड बहुत अजीब था मेरे लिए She hobbled through the ward to where I lay. She hobbled. Hobbled का मतलब होता है बहुत परेशानी से आगे बढ़ना, पेन के साथ या बहुत ही ज्यादा जैसे लड़खड़ाते हुए. So when in old age, how do people walk? उनको बहुत मुश्किल होती है अपने आप को जो है सही तरीके से आगे बढ़ाने में. So she hobbled through the ward to where I lay. तो जहाँ पे मेरा ward था. वार्ड का मतलब क्या है जो हॉस्पिटल्स में डिफरेंट बेड्स होते हैं तो जहाँ मेरा बेड था वो वहाँ पे बहुत मुश्किल से चलते हुए आई एंड रि क्वाइट क्लोज एंड हेजिटेटिंग पीरियड वो मेरे पास आई और बहुत हेजिटेट करते हुए बहुत हिचकिचाते हुए उन्होंने मुझे बहुत ध्यान से देखा क्यों हिचकिचाई वो क्योंकि उन्हें नहीं पता था वहाँ पे कौन है वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी सालों उन्हें भी हो गए थे अपने बेटे अपने ग्रैंडसन को देखे हुए एंड देन शी स्माइल्ड एंड लव लिट ऑफ द डे और वो जो डार्क कोल्ड डे था जैसे उन्होंने मुझे ध्यान से देखा एंड उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं उनका ग्रैंड सन हूँ तो उनके फेस पे वही पुरानी स्माइल आई और लव लिट ऑफ द डे मतलब और उनके प्यार से वो जो ग्लूमी सैड कोल्ड डे था वो पूरा लिटअप हो गया जैसे कि एक बहुत ही डार्क नाइट में जैसे सनरेज आती हैं और किस तरीके से लाइट अप हो जाता है पूरा डे उस ही तरीके से जैसे ही शी स्माइल्ड द पोइट रियलाइज द अनकंडीशनल लव विथ विच हिज ग्रैंड मदर लव्ड हिम एंड दैट लिट अप द डे

ग्रैनी जो है ये जो पोम विच हैज़ बीन रिटर्न बाय वर्नन स्कैनल ये क्या पोर्ट्रे करती है द फीलिंग्स ऑफ द पोएट द फीलिंग्स ऑफ द पोएट मतलब वो पोएट की फीलिंग्स को दर्शाती हैं पोर्ट्रे करती हैं अबाउट हिज ग्रैंड मदर उनकी ग्रैंड मदर के बारे में द लव वॉम्थ अफेक्शन एंड सिक्योरिटी डेट वन फील्स अराउंड ग्रैंड पेरेंट्स हैव बीन कन्वेड ब्यूटिफुली जो प्यार जो वॉम्थ जो अफेक्शन और सिक्योरिटी आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के अराउंड मिलता है वो इसमें बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है द पोट लिव विद हिस्स ग्रैंड मदर वेन ही वॉज सिक्स यर्स ओल्ड एंड देन ही शिफ्ट समवेयर एल्स सो so, जो पोएट थे जब वो छः साल के थे तब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे एंड देन ही शिफ्ट समवेयर एल्स वेन व्हेन ही वाज एट इयर्स ओल्ड द पोएट सेज दैट हिज ग्रैंड मदर नेवर स्कोल्डेड हिम एंड ही फेल्ट सेफ एंड लव्ड व्हेन शी वाज नियर। सो पोएट बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने कभी उन्हें नहीं, नहीं डांटा और उनके आसपास उन्हें बहुत ज़्यादा सेफ और लव्ड फील होता था शी वॉज टॉल एंड लार्ज येट जेंटल एंड लविंग वो बहुत टॉल थी लार्ज थी लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा जेंटल थी और बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करती थी शी अंडरस्टड हिज होप्स एंड ड्रीम्स विल वो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो अपने ग्रैंडसन के होप्स को ड्रीम्स को बहुत अच्छी तरीके से समझती थी शी प्रेज हिम जनरसली बट नेवर्स कोल्डेड हिम फॉर एनथिंग वो उनकी बहुत तारीफ करती थी लेकिन उन्होंने कभी भी उनको जब उन्होंने कुछ गलत किया तो कभी नहीं डांटा ईयर्स लेटर द पोएट जॉइंस मिलिट्री एंड गेट्स इंजर्ड इन अ वॉर बहुत सालों बाद पोइट जो हैं वो मिलिट्री जॉइन कर लेते हैं और एक वॉर में कौन सा वॉर वर्ल्ड वॉर टू में वो इंजर्ड हो जाते हैं ही कम्स बैक टू हिज हाउस एंड रियलाइज दैट ही इज़ क्लोज टू द स्मॉल टाउन वेय हिज़ ग्रानी लिवस वो वापस अपने घर आते हैं और वहाँ पर ये हम फ्रांस हटा देते हैं क्योंकि फ्रांस में लड़ाई हो रही थी सो so वो वापस अपने घर आते हैं और जिस शहर में वो आते हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि इसी शहर में तो उनकी ग्रैनी रहती थी ही राइट्स टू हर एंड आस्क इफ़ शी कैन कम टू सी हिम वो उनको लेटर लिखते हैं और पूछते हैं कि अगर वो आ सकते हैं उनसे मिलने शी कम्स एंड द पोएट अ शॉक टू सी हर वो आती हैं और पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है उनको देख के शी इज फ्रेल एंड स्मॉल शी हॉबल्स टू रीच द पोएट एंड लुक्स एट हिम विद अ लविंग स्माइल वो जो है वो बहुत फ्रेल हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं उनकी लार्ज ग्रैनी अब स्मॉल हो गई हैं वो बहुत मुश्किल से पोएट तक आती हैं एंड लुक्स एट हिम विद अ लविंग स्माइल और उनकी तरफ एक बहुत ही प्यार भरी स्माइल के साथ देखती हैं सो दैट इज़ इट दिस वॉज द समरी ऑफ़ अ पोम नाउल सी द लिट्रेरी डिवाइसिस तो इसमें जो लिटरेरी डिवाइसिस यूज हुई हैं मेजरली वो क्या है सबसे पहले सिमली है उसके अलावा इसमें जो हमने यूज़ किया है दैट इज़ अ मेटाफॉल और एक है एक और जो इसमें आता है दैट इज़ जन ऑनलाइंस तो ये तीनों में आपको एक्सप्लेन करती हूँ है क्या सबसे पहले आपको पता है सिमली क्या होती है सिमली मतलब इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पे आप दो चीजों को कंपेयर करते हो यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक फॉर एग्जाम्पल शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ फेरी और शी इज लाइक अ फेरी यहाँ पे आप एक लड़की की ब्यूटी को फेरी से कंपेयर कर रहे हो तो ये डायरेक्ट कम्पेरिज़न होता है यूजिंग द वर्ड एज और लाइक तो यहाँ पे हमारी जो पोम है माय होल वर्ल्ड लाइक अ वार्म प्रोटेक्टिव शॉल तो वो मेरी पूरे वर्ल्ड को जो है इनफोल्ड कर लेती हैं लाइक अ वार्म प्रोटेक्टिव शॉल तो यहाँ पे ये जो लाइक like वर्ड है यहाँ क्या कम्पेरिजन हो रहा है सो द पोएट कंपेयर द वॉम्थ ऑफ इज ग्रैंड मदर स्माइल मतलब उनकी जो ग्रैंड मदर की स्माइल है उसका जो प्यार है उसकी जो वॉम्थ है उसको वो कंपेयर करें टू दैट ऑफ अ शॉल इन विंटर विंटर में किस तरीके से एक शॉल आपको गर्माहट देता है उसी तरीके से पोएट के ग्रैंड मदर की जो स्माइल है वो उनको वही प्यार भरी गर्माहट देती है शी वॉज सो टो वाइट सो लॉर्ज लार्ज शी वुड स्टैंड माउंटेनियस बिटवीन मी एंड माई फ्य मतलब अब यहाँ लिखा है शी वुड स्टैंड माउंटेनियस बिटवीन मी एंड माई फियर मतलब वो एक माउंटेन की तरह मेरे और मेरे डरों के बीच में खड़ी हो जाती थी यहाँ पे अगेन आप किसको उनको एक माउंटेन से कंपेयर कर रहे हो जहाँ पे वो पोइट और उनके डर के बीच में खड़ी हो जाती थी बट क्या आपने कंपैरिजन में लाइक और एज यूज़ किया नहीं यूज़ किया है तो ये बन जाता है एक मेटाफॉल

अगली लाइन में कंटिन्यू हो रही होती है जैसे कि हैड ब्रॉट मी क्लोज टू दैट स्मॉल टाउन वे शी वॉज लिविंग स्टिल वे शी वॉज लिविंग स्टिल ये लाइन कंटिन्यू हो रही है Yes इसको बोलते हैं रन ऑन लाइंस क्या बोलते हैं इसे रन ऑन लाइंस सो ये तीन लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सो so, इसका जो स्ट्रक्चर है ओके okay. सो so, यहाँ हम जा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए सबसे पहले इसमें फोर स्टैंड हैं कितने स्टैंडास हैं इसमें टोटल फोर स्टैंडास हैं ये जो फोर स्टैंडास में हर स्टैंडा में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितनी लाइन्स हैं तो यहाँ पे सब में फोर स्टैंड हैं सेवन लाइन्स हैं हर स्टैंडा में अब हम देखते हैं इसमें राइमिंग पैटर्न क्या है राइमिंग स्कीम क्या है देख लेते हैं सबसे पहले वेंट को अपन ए मार्क कर देते हैं ओल्ड अब वेंट और ओल्ड राइम नहीं कर रहे तो ओल्ड को हमने बी मार्क कर दिया सेंट सेंट वेंट सेम राइम है तो इसको भी ए दे दिया स्कोल्ड ये तो इसके साथ जा रहा है तो इसको बी दे दिया ऑल अब ये किसी के साथ नहीं जा रहा है इसे सी दे दिया एंड फोल्ड स्कोल्ड ओल्ड तो इसको आप बी दे दो क्योंकि ये बी वाली राइमिंग स्कीम के साथ जा रहा है शॉल ऑल ये सी हो गया राइट right. तो राइमिंग स्कीम क्या बनी हमारी ए बी ए बी सी बी सी ए बी ए बी सी बी सी तो अगर हमें यहाँ पे लिखना है स्ट्रक्चर में सो हम यहाँ स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे कि सबसे पहला कि इसमें टोटल फोर स्टेंसाज हैं दूसरी चीज़ हर स्टेंसा में सेवन लाइन्स हैं और जो राइमिंग स्कीम है थर्ड पॉइंट जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है ए बी ए बी सी बी सी क्लियर ये हो गया आपकी पोम का स्ट्रक्चर क्लियर विद दिस चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं विथ द क्वेश्चन आंसर्स अब सबसे पहला है आंसर द क्वेश्चंस इन अ फ्यू लाइंस। हाउ डिड द हाउ लॉन्ग डिड द स्पीकर लिव विद हिज ग्रैंड मदर स्पीकर जो है अपनी ग्रैंड मदर के साथ कितने टाइम तक रहे थे सो सिक्स ईयर्स से एट ईयर्स इसका मतलब जब वो छः साल के थे तब से लेके जब तक वो आठ साल के थे इसका मतलब वो दो साल के लिए अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहे थे द स्पीकर लिव्ड द स्पीकर लिव विद हिज ग्रैंड मदर फॉर टू ईर्स नेक्स्ट है मैंशन अ विजल मेमोरी द स्पीकर हैड ऑफ इज ग्रैंड मदर एंड अनदर रिलेटेड टू स्मेल तो जो विजुअल मेमोरी है पोइट को क्या याद थी अपनी ग्रैंड uh, मदर के बारे में मे बी हर स्माइल और मे बी हाउ टॉल शी वॉज और उनकी स्मेल मतलब रिमेंबर लेवेंडर की स्मेल सो so हम यहाँ बोलेंगे द विजुअल मेमोरी ही हैड ऑफ इस ग्रैंड मदर वॉज दैट शी वॉज टॉल वाइड लार्ज एंड शी हैड अ लवली स्माइल रिमेंबर दिस उनको कौन सा विजुअल मेमोरी है जो उनको याद है वो है कि वो बहुत टॉल वाइड और लार्ज थी प्लस शी हैड अ लवली स्माइल प्लस अब यहाँ पे जो स्मेल से रिलेटेड जो मेमोरी है वो क्या है द मेमोरी रिलेटेड टू स्मेल वाज हर लेवेंडर सेंट उनके पास से जो लेवेंडर की खुशबू आती थी वो क्लियर नेक्स्ट है गिव टू ऑफ रन ऑन इन द पोम सो पोम में अभी हमने डिस्कस किया था फिगर ऑफ स्पीच में एक रन ऑन लाइन वो क्या थी हैड बॉट मी क्लोज टू दैट स्मॉल टाउन शी वॉज लिविंग स्टिल सो यहाँ पे ये जो रन ऑन लाइन का मतलब जो एक लाइन दूसरे में कंटिन्यू होती है सिमिलरली जो सेकेंड लाइन है वो क्या है शी वॉज सो टॉल सो वाइट सो लार्ज शी वुड स्टैंड माउंटेनियस बिटवीन मी एंड माई फ्य

इसका मतलब ये होता है दैट एज द ग्रैंड मदर सेट नियर द पोइट जैसे ही उनकी जो ग्रैंड मदर है वो पोइट के बगल में जाके बैठी और उन्होंने उसे रिकोगनाइज़ किया कि अरे ये तो मेरा ग्रैंड सन है उन्होंने अपने पूरे अनकंडीशनल लव के साथ उनकी तरफ स्माइल करके देखा एंड दैट पोइट हैड एक्सपीरियंसड अराउंड पोइट ने हमेशा उनके अराउंड एक्सपीरियंस किया था दिस सीन एंड प्योर लव लिट अप द डे लाइक द सन रेज लाइट्स अपूमी डे ये जो उनका सीरीन और प्योर लव था उसने पूरी डे को कैसे लाइटअप कर दिया उसी तरीके से जैसे ग्लूमी डेड डे को सन रेज जो होते हैं वो लाइट अप कर देती है दिस सेज दैट ही हैड अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद हिस्स ग्रैंड मदर फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन और ये लाइन बताती है कि पोएट का उनकी ग्रैंड मदर के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था लविंग एंड फुल ऑफ अफेक्शन, राइट नाउ यू हैव बिन शी वाज सो टॉल सो वाइट सो लार्ज शी वुड स्टैंड माउंटेनियस बिटवीन मी एंड माय फ्यर तो यहाँ पे हुई द पोएट इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स कौन बोल रहा है ये पोएट बोल रहा है Who is she? Why was her being tall and large important to the speaker? यहाँ पे हुए she she is the grandmother. अब उनके लिए why is it important कि वो इतनी tall and large थी? Because उनके आसपास उन्हें बहुत secure feel होता था. उनको अपने ऐसा लगता था she is acting like a shield between him and his fears. शी इज़ पोएट्स ग्रैंड मदर पहले क्वेश्चन का तो आंसर हो गया हर बींग टॉल एंड लार्ज वॉज इम्पोर्टेंट टू द स्पीकर एज ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर अराउंड हर वैन शी स्ट माउंटेनियस बिटवीन हिम एंड हज फर्स क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर फील करते थे जब वो आस पास होती थी क्योंकि वो जो है एक माउंटेन की तरह उनके उनके डर के बीच में खड़ी हो जाती थी ओके okay? वॉट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर डिड शी डू इवन दो शिब टॉल एंड लार्ज तो वो जो थी वो टॉल थी और लार्ज थी लेकिन उसके बाद भी दे वॉज समथिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू इट वो ये था कि वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल और लविंग थी इवन दो शिब टॉल एंड लाज शी वॉज एक्सट्रीमली जेंटल एंड अंडरस्टड हिज होप्स एंड ड्रीम्स वेल तो वो जो थी इतनी टॉल थी लार्ज थी उसके बाद भी वो बहुत जेंटल थी और वो उनके होप्स को उनके ड्रीम्स को बहुत अच्छे से समझती थी आई रियलाइज सडनली दैट सर्कम हैड बॉट मी क्लोज टू दैट स्मॉल टाउन शी शॉज लिविंग स्टिल मैं तुरंत समझ गया कि ये जो इवेंट्स हैं ये जो घटनाएं हो रही हैं ये वापस मुझे उसी टाउन में लेके आ गई हैं जहां आज भी मेरी ग्रैंड मदर रह रही हैं

एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू ही गॉट इंजियड एंड केम बैक टू हिज टाउन तो जो स्पीकर जो थे वो एक सोल्जर थे प्लस वो जो थे वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर वो इंजियर हो गए और वापस अपने गाँव आ गए थे ही रियलाइज दैट हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन द सेम टाउन और तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उसी टाउन में रहती हैं वॉट डिड ही डू वेन ही फाउंड हिम सेल्फ इन द सेम टाउन एज हर जब उन्हें पता चला कि अरे मेरी ग्रैनी तो इसी uh, टाउन में रहती है तब उन्होंने क्या कहा क्या किया उन्होंने ही रोड टू हर एंड आस्ट हर टू मीट तो यहाँ हम क्या लिखेंगे वेन ही फाउंड दैट ही वॉज इन द सेम टाउन एज हिज ग्रैंड मदर ही रोड टू हर एंड आस्ट इफ शी कुड्स कम टू सी हिम उन्होंने लिखा उन्होंने क्या बोला उन्होंने पूछा कि अगर वो आके उनसे मिल सकती हैं एंड आई स्टिल विविडली रिकॉल द शॉक दैट आई रिसीव वेन शी अपेयर्ड इसमें क्वेश्चन अब ये पूछा है कि स्पीकर को क्या शॉक लगा था वट वॉज द शॉक दैट द स्पीकर रिसीव्ड द स्पीकर वॉज शॉकड टू सी हिस टॉल वाइड एंड लार्ज ग्रैनी सो फ्रेल एंड स्मॉल स्पीकर जो थे वो बहुत ज़्यादा शॉक थे क्या देख के उनकी टॉल वाइड और लार्ज ग्रैनी को इतना ज़्यादा फ्रेल और स्मॉल देख के इतना वीक और छोटा देख के वाई वॉज इट अ शॉक फॉर हिम उनको शौक लगा ही क्यों इट वॉज़ अ शॉक फॉर हिम बिकॉज ही हैड नेवर इमेजनड हर लाइक दैट क्योंकि उन्होंने कभी भी उनको वैसे इमेजन ही नहीं किया था शी हैड ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड ही फील्ड सिक्योर्ड अराउंड हर वो हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग थी उनके लिए और वो उनके साथ आस पास बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग फील करते थे सेफ एंड सिक्योर फील करते थे वॉट डिट शी डू वैन शी अ पेयर जब वो आई तो उन्होंने क्या किया

नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर वाई डिड द पोइट ग्रैंड मदर हेजिटेट वेन शी सो हेम पोइट की मदर ग्रैंड मदर ने जब उन्हें देखा तो पहले तो उन्होंने हेजिटेट किया थोड़ा सा जो वो हिचकिचाई क्यों इट हैड बीन ईयर्स सिंस शी हैड मेट ह ग्रैंड सन सालों हो गए थे अपने ग्रैंड सन को देखे हुए शी वॉज वीक एंड ओल्ड नाव अब वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी काफ़ी ज्यादा वीक हो चुकी थी वैन शी सॉ हर ग्रैंड सन शी ट्राई टू रिकोगग्नाइज हिम जब उन्होंने अपने ग्रैंड सन को देखा तो पहले उन्होंने पहचानने की कोशिश करी एंड हेजिटेटेड टू सिट क्लोज टू द यंग मैन और तब उन्हें जब वो पहचानने की कोशिश कर रही थी तब उन्होंने हेसिटेट किया हिचकिचाई एक यंग मैन के बगल में बैठने के लिए उन्हें नहीं पता था वो कौन है इसीलिए शी वॉज हेजिटेटिंग बहुत सिंपल आंसर है डू यू थिंक द poet हैड लॉस्ट टच विद his ग्रैंड मदर ओवर द Mention the द that दैट गिव impression। क्या तुम्हें लगता है जो पोएट है उनका उनके ग्रैंड मदर के साथ पूरा टच टूट गया था मतलब कनेक्ट टूट गया था स ऑब्वियसली वाई येस द पोएट हैड लॉस्ट टच विद हज ग्रैंड मदर एंड दिस इज एविडेंट एज ही वॉज शॉक टू सी हिज ग्रैंड मदर सो ओल्ड वीक एंड फेल पोएट को अगर वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ टच में होता तो अचानक से उनको इतना ओल्ड और वीक देख के उसको इतनी हैरत नहीं होती शौक नहीं लगता इसका क्या मतलब है कि वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ कनेक्टेड नहीं था और ये कौन सी लाइंस हैं जो सेम चीज़ सजेस्ट करती हैं वो देख लेते हैं सो so, जो हमारा लास्ट टेंसा है She came and I still vividly recall the shock that I received when she appeared that dark cold day. Huge granny was so small, a tiny, frail old lady, it was weird. So Yejo hai that Yejo line that unko shock laga Huge granny was so small and it was weird. These lines explain that yes, he was shocked, he was not in touch with granny. Okay? अब हम आते हैं नेक्स्ट में इमोटिव लैंग्वेज इमोटिव लैंग्वेज क्या होता है इमोटिव लैंग्वेज मतलब जब आप सिंपली बोल सकते हो जैसे आई एम इन पेन अगर आपने इसकी जगह बहुत ही इमोशंस डालते हुए बोला ओह आई एम इन अ ट्रिमेंडस हार्ट रेंचिंग पेन यहाँ पे क्या किया आपने अब आपका जो लाइन पढ़ के कोई समझ सकता है कि भाई बहुत इमोशंस हैं इसमें मतलब इमोटिव लैंग्वेज क्या हो सकती है क्या होती है इज द यूज़ ऑफ वर्ड्स इन सच अ वे दैट दे दे अपील टू पीपल्स इमोशंस वो पीपल के इमोशन के साथ कनेक्ट करते हैं इट वॉज ऑल्सो यूज टू कन्विंस पीपल अबाउट समथिंग और ये जो है लोगों को चीज़ों के बारे में कन्विंस करने में भी हेल्प करती है अब हमें यहाँ करना क्या है जैसे एग्जाम्पल देख लो शी वॉज सो टॉल सो वाइट सो लार्ज शी वुड स्टैंड माउंटेनियस बिटवीन मी एंड मी माई फ्यर एकदम आपको लग रहा अच्छा इतनी बड़ी थी इतनी वाइट थी इतनी लाज थी एकदम एक माउंटेन एक की तरह खड़ी हो जाती थी बेसिकली शी वॉज स्ट्रॉन्ग अब ये है इमोटिव लैंग्वेज अगर इसको नॉन इमोटिव लैंग्वेज में कहोगे यू कैन सिंपली से शी वॉज अ लार्ज वुमन शी स्टॉप मी फ्रॉम फीलिंग अ फ्रेड सिंपल अंडरस्टूड अब आपको करना क्या है यहाँ जो आपको सेंटेंसेस दिए हैं ये नॉन इमोटिव लैंग्वेज में लिखे गए हैं आपको इसमें इमोटिव लैंग्वेज जो है यूज करनी है जैसे कि दिया है द बॉय रैन पास्ट मी with एन ओल्डर बॉय रनिंग बिहाइंड हिम जो लड़का था वो मेरे पास से गुजर गया जहाँ वो पीछे एक और लड़का उस पर उसके पीछे दौड़ रहा था उसकी जगह हमने यूज़ किया द बॉय fled पास्ट मी रैन की जगह मैंने क्या लिखा फ्लेड मतलब तेजी से दौड़ गया तो यहाँ मैंने इमोटिव लैंग्वेज यूज़ करी है

एग्जीक्यूटेड बाई अ थी फॉर उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया खत्म कर दिया गया एक छोटे से पांच सौ रुपए के अमाउंट के लिए बेचारा छोटा सा पुअर भूका डॉग जो है उसको हमें खाना खिलाना चाहिए मिस सिम्स इसकी जगह हम लिखेंगे मिस सिम्स इज सफरिंग फ्रॉम टेड एक हैज अड एक की जगह मैंने बोला वो सफ़र कर रही है एक टेरेबल हेडेक से काव्या बर्न टू हर हैंड काव्या का हाथ जल गया सिंपल काव्या गॉट पेनफुल ब्लिस्टर्स ऑन हर हैंड ड्यू टू द बर्न उसको हाथ में एकदम पेनफुल ब्लिस्टर्स हो गए बर्न के कारण अब लग रहा है ना कुछ जला है सो दैट इज दिस इमोटिव लैंग्वेज अब हमें क्या बताना है कि पोम में ये इमोटिव लैंग्वेज कहाँ यूज हुई है

ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मेरी पूरी दुनिया को एक वार्म प्रोटेक्टिव शॉल की तरह इनफोल्ड कर लिया अगेन यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा इमोशंस डाले हैं ये भी इमोटिव लैंग्वेज हो गई अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब्स विथ लुक अब जैसे यहाँ पे देख लो हमारे पास लुक के साथ बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं लुक आफ्टर मतलब किसी का ख्याल रखना लुक बैक पीछे देखना लुक अपॉन मतलब यू you नो know, किसी की तरफ चाह से देखना लुक फॉरवर्ड टू किसी चीज़ का ईगरली वेट करना लुक आउट फॉर मतलब आप जो हो कि जैसे कि अगर तुम बाहर गए ना तो इस चीज को ढूंढना लुक अप टू आप जैसे यू लुक अप टू योर फादर यू लुक अप टू योर मदर फॉर देयर क्वालिटीज एंड लुक इन टू मतलब किसी चीज़ में छानबीन करना लुक इन टू द मैटर

Human being. Matlab, वो उनकी तरफ देखता था लुकड टू एज अग मतलब वो बहुत अच्छी ह्यूमन थी इसलिए द चीफ मिनिस्टर आज द पुलिस टू लुक इन टू द मैटर अर्जेंटली चीफ मिनिस्टर ने पुलिस को कहा अब भी इस मामले की तहकीकत करो लुक इन टू द मैटर द पोएट लुकड बैक ऑन दिस वर्ड इथ पेन विद पेन पोइट एन एंगर विद पेन एन एंगर पोइट नहीं आएगा यहाँ पे सो पोइट लुकड बैक उसने वापस अपने पुराने सालों को देखा सोचा उसके बारे में मतलब लुक्ड बैक नेक्स्ट है लेफ्ट टर्न फाइव हंड्रेड मीटर हट जब आप आगे जाओगे तो पाँच सौ मीटर के बाद ना एक लेफ्ट टर्न आएगा उसको देखना मतलब वहां पर जाना और लोग यूजअली उसे मिस कर देते हैं तो लुक आउट फॉर मतलब उसको ध्यान रखना उस चीज का वी शुड लुक आफ्टर आवर ग्रैंड पेरेंट्स एज दे आर आवर ग्रेटेस्ट ट्रेशर हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए look out, look after मतलब ख्याल रखना आई हैव ऑलवेज लुकड अपॉन माई एल्डर ब्रदर हु इज़ अ ग्रेट फुटबॉलर एज वेल एज अ पोएट मैं हमेशा जो है बहुत एडमायर करती हूँ एडमायर करने को बोलते हैं लुक अपॉन माई एल्डर ब्रदर जो कि एक बहुत अमेजिंग फुटबॉलर है प्लस वो पोएट भी है अब हम आते हैं क्वेश्चन टैग्स में क्वेश्चन टैग्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और क्लैरिटी के लिए मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगी बेसिकली क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं दे आर शॉर्ट क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल शी लुक्स ब्यूटिफुल डेंट शी आई एम वंडरफुल एन आई और यू आर पावरफुल आर यू और मैंने बोला यू आर नॉट एट ऑल लेजी आर यू तो बेसिकली यहाँ पे जब आप ये लास्ट में जो छोटा सा क्वेश्चन लगा रहे हो ना ये किस लिए होता है टू कन्फर्म वेदर समथिंग इज ट्रू और टू एनकरेज अ रिप्लाई कन्फर्म मतलब हो ना है ना इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कन्फर्म कर रहे हो या तो किसी रिप्लाई को इनक्रेज कर रहे हो मतलब कि सामने वाला कुछ कहे उस पर अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि कभी भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होगा जैसे कि ग्रैनी हैज़ बिकम क्वाइट फ्रेल हैज इन शी आपको करना क्या है आपको उसके वर्ब जो यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हुआ है उसको लेना है अगर वो पॉजिटिव है अगर सॉरी सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर दो और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर दो तो हम यहाँ क्या यूज़ किया हैज़ एंड शी जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए हम वो प्रोनाउन यूज करते हैं द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड दैट ऑफ द क्वेश्चन टैग शुड बी द सेम सब्जेक्ट के बारे में लिखोगे अब सब्जेक्ट ग्रैनी है तो शी की जगह ही नहीं लिख सकते जैसे कि द पोएट लव्ड हिज ग्रैंड मदर डेंट ही अब यहाँ पे पोएट जो है वो एक मेल है तो मैं शी नहीं लिखूंगी मुझे ही ही लिखना पड़ेगा क्लियर अब हमें करना है करेक्ट क्वेश्चन टैग से मैच तो हम यहाँ पे सीधा आंसर्स में जाएंगे शी नोज हर डायलॉग अब यहाँ पे देखो शी नोस यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम नोस की जगह बोलेंगे डजन शी क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटेंस है डजन शी दे वेंट होम अब वो घर चले गए पास्ट का है तो हम क्या बोलेंगे डिंट दे यहाँ पे जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां पे डज या डू या डिड आता है अब पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो रोय एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट अब अगेन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है एट मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं पास्ट में हमें डिड लेना पड़ता है ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसे नेगेटिव कर लो डिंट रॉय एक लड़का है तो ही आ जाएगा डिंट ही आई शुडेंट बी शेयरिंग दिस मुझे यह शेयर नहीं करना चाहिए नेगेटिव सेंटेंस है सो so शुड ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हैरी वर्ब है ये तो शुडेंट का हो जाएगा शुड आई शुड आई वी मस्ट वर्क टूगेदर मसेंट वी क्योंकि पॉजिटिव है हमने निगेटिव कर दिया नेक्स्ट है दे हैव कम है ही मस्ट टेल एस द्लान आई शुड विजिट हर सून शूडेंट आई वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस आर वी ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या बोलेंगे आर वी शी इज अ गुड स्टूडेंट इज इन शी क्लियर ओके अब आते हैं हम कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव में बहुत बार हम समझ चुके हैं एडजेक्टिव की थ्री डिग्रीज होती हैं कंपेरिजन की पॉजिटिव कम्पेरेटिव और सुपरलेटिव पॉजिटिव मतलब जहां आप किसी से कोई कंपेरिजन नहीं करें जैसे कि मैंने बोला आई एम टॉल यहां पे मैंने किसी भी तरह आई एम आ टॉल गर्ल अगर मैंने ये बोला आई एम अ टॉल गर्ल यहाँ मैंने किसी से कोई कंपेरिजन नहीं किया इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री अगर मैंने बोला आई एम टॉलर रिचा। आई एम टॉलर देन रिचा अब यहाँ पे मैं कंपेयर कर रही हूँ खुद को रिचा से इसीलिए मैंने टोल का बना दिया टोलर जो कि है कंपेरेटिव डिग्री और इसमें मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है चेक करना कि मैंने यहाँ पे अपना चमत्कारी वर्ड यूज़ किया है यानी क्या है वो वर्ड दैन देन मतलब कंपेरिजन और थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री जहां मैं अपने आप को सबसे कंपेयर कर रही हूं आई एम द टॉलेस्ट इन द क्लास मतलब मैं अपनी क्लास में सबसे ज्यादा लंबी हूं यहां मैं अपने आप को क्लास के सारे बच्चों से कंपेयर कर रही हूं तो मैं लगाऊंगी सुपरलेटिव डिग्री और उसके आगे हमेशा होता है द ऑलवेज रिमेंबर दिस ओके अब आपको करना क्या है जैसे ये आपके पास डिग्रीज है जेंटल जेंटलर जेंटलिस्ट टाइनी टाइनियर टाइनियस्ट लेकिन जब कोई एक ऐसा वर्ड आता है जिसमें आपके पास तीन या तीन से ज्यादा सिलेबस होते हैं जैसे प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव इधर पे हाथ रखो बोलो प्रोटेक्टिव तीन बार हिला जहां सेंटेंस जहां वर्ड आपका थ्री सिलेबल से ज्यादा होता है थ्री या थ्री सिलेबल से ज्यादा तब आप मोर और मोस्ट का यूज करते हो तब आप ई ER आर और ई एस टी नहीं लगाते क्लियर अब है यहाँ पे कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन ऑब्जेक्टिव सो ये आप खुद से ट्राई करोगे एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू आंसर्स सो फर्स्ट पॉज द वीडियो ट्राई टू डू इट एंड देन जंप टू द नेक्स्ट पार्ट ओके सो स्टार्ट करें बहुत सिंपल है एट एटीन आई वॉज द यंगेस्ट बॉय इन माई प्लेटून पूरे मेरे जो प्लेटून में मैं सबसे छोटा था तो हमने यहाँ सुपरलेटि डिग्री यूज करी है एट एटीन आई वॉज द यंगेस्ट बॉय इन माई प्लेटून ऑल द अदर्स वीस्ट अ फ्यू ईयर्स ओल्डर बाकी जितने भी थे वो सब कुछ साल बड़े थे अमंग देम आई फाउंड जोसेफ द मोस्ट फैसिनेटिंग इन सब में मुझे जोसेफ सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा सो so, हमने यूज किया है सुपर

कोई चीज हो रही है आपने उसको अचानक से सुन लिया कि जो हमारे जो सर्जन थे उन्होंने जोर से बोला अरे स्पाइडर्स आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग फनीयर मैं तो और कुछ इससे ज़्यादा फनी सोच ही नहीं सकता आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग फनीयर द स्मार्टेस्ट मोर हैंडसम देन एनी ऑफ़ अस द मोस्ट केपेबल जोसफ स्केर्ड ऑफ क्रीपी क्रॉलीज दिस हैड टू बी टोल्ड टू द अदर्स यहाँ देखो हमने यूज किया है द स्मार्टेस्ट मोर हैंडसम देन एनी ऑफर्स यहाँ देन है ना इसीलिए हमने मोर हैंडसम लगाया है फिर हमने वापस बोला द मोस्ट केपेबल जो सफ वो जो है मकड़ियों से डरता है ये तो सबको बताना पड़ेगा सो दैट इज इट आपको क्या ध्यान में रखना है सबसे कंपेयर कर दो तो सुपरलेटिव डिग्री लगा दो अगर आपके पास दैन आता है तो कंपेरेटिव डिग्री लगा दो दैट्स इट सिंपल चलिए

बेसिकली आप एक एल्डरली पर्सन हो अब आपको अपनी लाइफ डेली रूटीन बताना है जिसमें आप क्या पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो कैसे आप अपना दिन स्पेंड करते हो आपकी वर्क हॉबीज फैमिली फ्रेंड्स और आपका जो डिफरेंस मतलब जो आपके यंगर डेज से आज में क्या डिफरेंस आ गया है आज आप हैपियर हो या लोनलियर हो तो नाउ आई है चलो वो देख लेते हैं लाइफ स्लोज डाउन एज इट रीच द ओल्ड एज एज एट एट एज इट रीचेज द ओल्ड एज मतलब जैसे ही लाइफ जो है वो ओल्ड एज तक पहुँचती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है द रश टू डू थिंग्स टू अर्न मनी टू अर्न अ स्टेटस इन द सोसाइटी इज ऑल अचीव्ड माई नाव मतलब ये जो रश होता है कि हमको बहुत सारी चीज़ें करनी है पैसा कमाना है स्टेटस कमाना है अब ये सब कुछ हम अचीव कर चुके होते हैं आई एम एन ओल्ड मैन नाव अब मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ माई डे स्टार्ट pretty early एज ओल्ड एज डजेंट रिक्वायर लॉन्ग आवर्स ऑफ स्लीप मेरा जो दिन है वो काफ़ी सुबह स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ओल्ड एज में ज़्यादा सोने की ज़रूरत ही नहीं होती आई गेट अप early एंड आफ्टर फ्रेशिंग अप लीव फॉर माई मॉर्निंग वॉक मैं सुबह जल्दी उठ के जब मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ उसके बाद मैं अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाता हूँ I have always been a fit and health conscious man. मैं हमेशा से एक फिट और हेल्थ कॉन्शियस मैन रहा हूँ। I love the morning freshness and energy flow. मुझे मॉर्निंग की जो फ्रेशनेस होती है हो और वहाँ जो एनर्जी फ्लो होता है वो बहुत पसंद है। I meet my friends on the way and after a little chat come back to home. मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ वहाँ पे जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ और हम थोड़ी बहुत बातें करते हैं फिर मैं घर आ जाता हूं।

तो अब लाइफ में कोई हासिल नहीं है तो मैं बहुत देर तक न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ फिर मैं नहा के अपनी पूजा करके ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ आई हैव ऑलवेज बीन अ टीचर एंड आई स्टिल लव टू टीच मैं हमेशा से एक टीचर रहा हूँ और आज भी मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है आई टीच स्मॉल किड्स हु आर नॉट सो प्रिवलेज टू गो टू स्कूल एंड आई एम क्वाइट पॉपुलर अमंग माई न्यूमरस ग्रैंड मैं आज भी छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ जो उतने प्रिवलेज नहीं है मतलब जिनके पास शायद उतना पैसा नहीं है कि वो स्कूल जा सके और मैं अपने इतने सारे ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में काफ़ी फेमस हूँ दे ऑल का ऑल मी दादू वो सब मुझे क्या बुलाते हैं दादू आफ्टरनून्स ऑफी लेजी आई वॉच टेलीविजन रीड बुक्स और ट्राई न्यू रेसिपीज आफ्टरनून बहुत सुस्त होते हैं मैं टेलीविजन देखता हूँ बुक्स पढ़ता हूँ कभी कभी नई रेसिपीज भी ट्राई करता हूँ These days are so different from older days when I was much younger, faster and more energetic, and had the spirit to conquer the world. ये दिन जो हैं वो पुराने दिनों से बहुत अलग हैं जब मैं बहुत एनर्जेटिक था, बहुत फास्ट काम करता था, काफी यंग था और ऐसा लगता था मुझे दुनिया जीतनी है। The fact is I'm happier today than those days. असलियत ये है कि मैं आज पहले की तुलना में बहुत खुश हूँ। इट फील्स लाइक आई वॉज सर्वाइविंग दिन एंड नाउ आई लिव ऐसा लगता था तब मैं सिर्फ सर्वाइव कर रहा हूँ लेकिन आज मैं जी रहा हूँ आई स्पेंड माई डेज लेजली गिविंग बैक टू द सोसाइटी वॉट आई कैन एंड स्प्रेडिंग अनकंडिशनल लव मैं जो हूँ अपने दिन बहुत ही आराम से बिताता हूँ सोसाइटी से बहुत लिया है अब मैं उसे दे रहा हूँ और अनकंडिशनल लव स्प्रेड कर रहा हूँ old age is about giving and living happily old age ka matlab kya hai do aur khub khush raho. and that is it so finally we have come to an end to this chapter we are done i hope you understood the poem well if you did do not forget to write in the comment box because i'll be happy Thank you so much. Do not forget to visit our website, which is magnetbrains.com. Here you can find all our videos free, of course, and very easily. All you have to do is go to the home page, click on the class, then click on the subject, whatever, whichever you want to study, and then click on the topic. And here you are done. Your video start That's it. So do not forget to like, subscribe, and share. Take care.